आगे बढ़ते हुए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी टॉप 10 खबरों पर। लखीमपुर खीरी घटना पर सीएम योगी ने दिए निर्देश, फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक महीने में दिलाई जाए सजा, 25 लाख की आर्थिक सहायता और एक भूमि पट्टा देने के भी निर्देश। लखीमपुर खीरी कांड के सभी 6 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल, दो सगी बहनों के रेप के बाद हत्या मामले में हुई गिरफ्तारी। लखीमपुर में दोनों बहनों का हुआ अंतिम संस्कार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, रेप के बाद हत्या कर पेड़ पर लटका गए थे शव। आज लखीमपुर जाकर पीड़ित परिवार से मिलेंगे कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल, दल के नेता। लखनऊ में लखीमपुर खीरी घटना के विरोध में कांग्रेस के कैंडल मार्च को पुलिस ने रोका। माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत तय हुए आरोप, मऊ में पेशी के बाद कहा उनके बोलने पर पाबंदी है। दर्शकों के सर्वे पर अखिलेश का मजहबी ज्ञान, कहा धार्मिक स्थानों का सर्वे कराना न्यायपूर्ण नहीं, इंसाफ को बताया सबसे बड़ा ध्यान। लखनऊ के दारुल उल नदवा मदरसे का हुआ सर्वे, एसडीएम बीएसए डीएमओ रहे मौजूद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष की सरपरस्ती में चलता है कॉलेज। महंत नरेंद्र गिरी के कमरे में मिले कीमती सामान, महंत की मौत की जांच कर रही सीबीआई टीम ने कमरा किया था सील, मजिस्ट्रेट की निगरानी में खोला गया कमरा। उत्तर प्रदेश में 35 पैसे प्रति यूनिट महंगी हो सकती है बिजली, फ्यूल सरचार्ज के नाम पर कंपनियों ने दाखिल किया प्रस्ताव। और उत्तर प्रदेश के शाजापुर में 50 लाख रुपए की अफीम बरामद, पुलिस ने दो तस्करों को भी किया गिरफ्तार।